किया की कैरेंस, एक ऐसी गाड़ी जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को कल एक शॉक दिया था विद दी प्राइसिंग 8.99 लाख रुपीज एज स्टार्टिंग प्राइजेस, सुपर गुड फेंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी। इस गाड़ी को लेकर हमने और भी वीडियोस बनाए हैं इन द पास्ट, एक कंपैरिजन है विद द मेन राइवल विद द चीफ कॉम्पिटिटर जो एक्सेल 6 है, तो इसका और उसका कंपैरिजन है, उसका लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। उसके अलावा देयर इज अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ द डीजल वर्जन एंड अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ द टर्बो पेट्रोल 7 स्पीड डीसीटी, तो उन वीडियोस को इस वीडियो के बाद देखना मत भूलना। बट आज का वीडियो टोटली डिफरेंट है, अ वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल वीडियो फॉर यू गाइस। अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ 6 और अ 7 सीटर एमपीवी, या अगर आप मार्केट में हैं फॉर एनी अदर कार बट दिल इस पे आया है, तो ये वीडियो आपका बना है, बिकॉज इसका रिव्यू मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे साथ हैं मेरे टीम मेंबर्स। सो यस, लाइक बिफोर जो हमने किया था विद दी XUV 700, 6 लोग इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। आई हैव विद मी करण जो बेसिकली रहते हैं कैमरे के पीछे, आज हमारे साथ हैं। देन वी हैव तेजन, इस तरफ वी हैव नितिन, वी हैव जतिन, वी हैव शिप्रांशु। तो फ्रॉम अ 6 पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, इस गाड़ी के इंटीरियर्स, कंफर्ट लेवल्स, स्पेस, फीचर्स, परफॉर्मेंस, डायनामिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना देती है। जी, हम निकलेंगे ऑन अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर रोड ट्रिप। उस दौरान, उस लंबे दौरान इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस रहेगी, पैसेंजर्स का जो रिव्यू रहेगा और जो मेरा ओपिनियन रहेगा, ये हम सब शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, हम बहुत जल्द ऑल न्यू बलेनो को ड्राइव करेंगे, स्कोडिया स्लाविया को भी ड्राइव करेंगे, उनके प्रॉपर रिव्यूज आने वाले हैं। एंड फॉर दोस वीडियोज, यू नो वॉट टू डू, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो फॉर नाउ, यहां से निकलते हैं फॉर द रोड ट्रिप एंड बात करते हैं आपसे अबाउट द कैरेंस। तो शुरुआत के लिए, बिफोर वी हिट दी हाईवे, यहाँ पे एक बहुत ही स्टीप सेक्शन है हिल का, एंड आई वांट टू शो यू कि ये डीजल ऑटोमेटिक कैसे परफॉर्म करता है। नोशन लोगों का होता है, मिथ होता है कि यार ऑटोमेटिक है, पहाड़ों में कैसी रहेगी, दिस इज सुपर स्टीप जहाँ हम जा रहे हैं। एंड वॉच फॉर योर सेल्फ कि विद 6 पीपल एसी ये गाड़ी उस स्टीप सेक्शन पे कैसा बिहेव करती है। नाउ हमारा एसी ऑन है, 6 लोग हैं एंड ऑटोमेटिक डीजल के अंदर वी आर गोना अटेम्प्ट दिस वेरी सुपर स्टीप स्ट्रेच। मैं मैनुअल मोड में नहीं हूँ, आई एम दी ऑटोमेटिक मोड एंड हे वी गो। सुपर्ब सुपर्ब, आई एम ऑन अ पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स राइट नाउ, पूरा नहीं दबा रहा हूँ, इन फैक्ट दिस इज द स्टीपेस्ट पार्ट कमिंग आउट राइट नाउ, ये बहुत स्टीप है, मैं रुक जाऊँगा यहाँ पे। एंड स्टैंडस्टिल से 6 लोग विदाउट यूजिंग दी हैंड ब्रेक, हेयर आई गो। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, I think that was simply superb, and it's down to the fact कि जो डीजल है उसमें टॉर्क काफ़ी अच्छा है, लोअर RPM पे है, एंड ईजिली गाड़ी हम उस पर ड्राइव कर पा रहे थे, स्टैंडस्टिल से भी उठ पा रही थी। फॉर नाउ वी आर ड्राइविंग द कार फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, एंड पहले मैं बात करूँगा डीजल ऑटोमेटिक, लोग बोलते हैं कि यार 1500 cc का इंजन है, छोटा है, कॉम्पिटिशन के पास तो 2000 cc का इंजन लाइक हेक्टर प्लस या अपनी सफारी। अनटेनलेस आप जाएंगे फ्लैट आउट, आपको एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप टिपिकल ड्राइविंग करते हैं शहर के अंदर, इवन विद अ लोड ऑफ 6 पीपल, हमने किया था कैलकुलेट, हमारे पास इस टाइम पर अराउंड 530 किलो का लोड है विद 6 पीपल। एंड एसी ऑन करके, बाय द वे रियर एसी एक प्रॉपर यूनिट है, इट्स जस्ट नॉट अ ब्लोअर, सो गाड़ी पे बहुत लोड पड़ रहा है। एंड ट्रैफिक के अंदर या चलते हुए आपको इतना फील नहीं होता कि अंडर पावर्ड है। स्मार्ट ऑटोमेटिक आई वुड से, गेयरिंग इज नाइस, थोड़ी छोटी गेयरिंग है, अच्छी गेयरिंग है, तो मैं इस टाइम पर खुश हूँ। नितिन, व्हाट डू यू से सो फार? द सीट्स ऑफ कोर्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, मैं पहले XUV में बैठा था, एंड व्हाट आई हैव टू नोटिस आई वुड से कि थोड़ा सा रिफाइनमेंट लेवल, जो स्मूथनेस है इनसाइड द कैबिन, द NVH बेटर है। एक चीज़ जो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही, वो थोड़ा सा हाई सेट डैशबोर्ड है, सो इट्स वेरी ऑन योर फेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियल इंप्रेशंस दे आर ग्रेट। तो हम दोनों खुश हैं, एंड कुछ देर बाद बात करेंगे विद दी सेकेंड एंड दी थर्ड रो पैसेंजर्स। आगे एक फ्यूल टैंक आएगा, फ्यूल पंप आएगा सॉरी, वहाँ से हम गाड़ी को फुल कराएंगे, एंड ओडोमीटर जो जितने भी सेटिंग्स हैं यहाँ पे ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले पे, उनको हम जीरो करेंगे और वहाँ से निकल पड़ेंगे फॉर दी फ्यूल इकोनॉमी रन।
ऑन दी ऑटो कट मेथड एंड ऑटो कट के बाद बंद करके निकलेंगे. सेम प्रोसीजर आफ्टर ड्राइव विल कम टू अस द सेम पंप मोस्ट प्रोबली एंड डू द सेम ऑटो कट मेथड. तो हमारे जितना भी ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले वाली सेटिंग्स है उसको हम करेंगे रीसेट. दिस इज़ द ड्राइव इन्फो. 0 किलोमीटर्स कितने टाइम में करा है, हमारी क्या इकोनॉमी है, एंड जो नीचे बार है दिस शोकेस इज़ दी इंस्टेंटेनियस इकोनॉमी उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन दिस थ्रॉटल इनपुट्स. इसके अलावा एक सिंस रीफ्यूलिंग है ये अपने आप हो चुका है रीसेट, इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर, तो ये भी हमारा रीसेट है. एंड टोटल इन्फो बिफोर द रीसेट एक और इसमें ऑप्शन आती है. तो हमने सुबह से इतनी देर गाड़ी चलाई है, इग्नोर दी कि एम्पियर बिकॉज गाड़ी पार्क थी, गाड़ी ऑन थी, इसे करेंगे रीसेट. सो ऑल दी पैरामीटर्स आर रीसेट. तो चढ़ने वाले हैं ऑन दिस लूप दैट रन्स अराउंड दिल्ली, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. टोल आ चुका है एंड यहाँ से वी हैव ऑलमोस्ट डन यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स. इकोनॉमी कितनी है अभी बात नहीं करूँगा, आई विल टेल यू अबाउट द इकोनॉमी एट द 50 mark. फॉर नाउ ऑन दिस लवली एक्सप्रेसवे अराउंड दिल्ली. गाइस 50 किलोमीटर हम कर चुके हैं एंड एज यू कैन सी जो नीचे वाला फिगर है 20.3 की एमपीएल, दिस इंडीड इज अ फैबुलस फिगर बिकॉज शुरुआत के लिए वी हैड अ शेयर ऑफ ट्रैफिक ऑन द हाईवे एंड अब यहां पे जाके 90 पे जो इंजन है दैट स्पिनिंग एट ओनली अप्रॉक्सीमेटली 1800 आरपीएम ऑन द राइट साइड. छठा गियर ऑन है, ऑफकोर्स एसी भी हमारा ऑन है एंड फिलहाल 20.3. बट क्या ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वेल बने रहिए इन द वीडियो विद अस. कमिंग टू द सेकंड रो, कंफर्ट इज सुप्रीम. द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस कैरेंस की सेकंड रो पे वो है आपको जो अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है एंड द कैबिन एम्बियंस, इट्स वेरी वेरी डिलाइटफुल. कैबिन बहुत ज़्यादा एयरी फील होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज विंडोज, बहुत लाइट आती है. सेकंड थिंग दैट यू विल इमीडिएटली नोटिस इज द लेग रूम एंड द थाई सपोर्ट विच यू गेट इन द सेकंड सीट्स. द कैप्टन सीट्स दे आर सुप्रीमली कंफर्टेबल. अ फ्यू क्विर्की थिंग्स दैट यू विल नोटिस स्पेशली इज द हेडरेस्ट, जिसको आपको हमेशा फर्स्ट पॉइंट पे एटलीस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा एल्स इट टचेस योर शोल्डर. एंड कमिंग टुवर्ड्स द बैक साइड जो सीट बेल्ट है अगर आप उसको आगे पुल करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, आपको टर्न अराउंड करना पड़ेगा टू फाइंड इट. टॉकिंग ऑफ द स्टोरेज स्पेसेस, बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस आपको मिलते हैं. 1 लीटर की पानी की बॉटल, इसके साथ एक और बॉटल, छोटी बॉटल, यू कैन एडजस्ट योर फोन इन दिस ऑल्सो, यू कैन टेक इट डाउन हेयर ऑल्सो. सो देर आर नंबर ऑफ स्पेसिस. और आपको जो ये सेपरेट एसी यूनिट ऊपर मिलती है ये बहुत एफिशिएंटली काम करती है. इसे ऑपरेट करने के लिए रियर पैसेंजर्स को यहाँ पे एक नॉब भी दी गई है जो कि 1, 2, 3, 4 यानी 4 पॉइंट सेटअप है. चौथे पे हल्का सा नॉइजी हो जाता है बिकॉज द ब्लोअर इज वर्किंग एट इट्स फुलेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसे 1 या 2 पॉइंट से ऊपर यूज़ करने वाला है बिकॉज द एसी ऑफ किया कैरेंस इज वेरी वेरी ब्रिलियंट. इसके अलावा आपको मिलते हैं यहाँ पे टाइप सी 2 पोर्ट, आप अपने फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं. और बड़ी ही क्लेवरली डिज़ाइन की गई है ये चीज़ कि पीछे वाले पैसेंजर्स जो सेकंड रो में बैठे हैं फ्रंट सीट्स पे आपको फ़ोन रखने के लिए वाइल यू आर चार्जिंग इट बहुत अच्छी जगह मिलती है कि आपकी केबल अगर छोटी भी है यू कैन ईजिली पुट इट डाउन हेयर. उसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, आप अपने फ़ोन को भी वहाँ रख सकते हैं. एंड एम्पल ऑफ थिंग्स, एम्पल ऑफ स्पेस टू पुट योर थिंग्स, योर इलेक्ट्रॉनिक्स, योर गैजेट्स. एंड स्पेशली एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर ऑन द गो एंड यू आर बीइंग शॉफर ड्रिवन, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है एंड यू हैव टू वर्क, आप लैपटॉप ईजिली प्लेस कर सकते हैं क्योंकि जो फ्रंट सीट्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आप कोई भी सामान रखेंगे, एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू, चाहे आपका ऑफिस हो या बिजनेस,
यू कैन जस्ट बी कंफर्टेबल इन द सेकंड रो. और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको किया कैरेंस कंफर्ट के रूप में देती है, उनमें एक स्टॉक सन ब्लाइंड्स भी है. ऑब्वियसली तेज धूप में जब आप बैठे हैं गाड़ी की सेकंड रो पे, तो आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी और आप ठंडे रहें. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. वेल एज फॉर माई एक्सपीरियंस, बनी बाई हु 6 एंड जतिन भाई हु इज 5'11", बोथ ऑफ देम आर इन फ्रंट एंड द बैक. सो आई हैव प्रीटी एवरेज नी रूम एंड आई एम स्टिल कंफर्टेबल. लाइक आई एम नॉट द टॉलेस्ट, बट स्टिल the back seat is pretty accommodating, you feel cozy. Only thing is the air purifier does eat up the room in your vicinity, you know, it does intrude right there, it's in your face, but overall you'll get used to this, and as a result you also get a smaller seat back pocket in both the front seats. And I've kept my phone and I've kept a small water bottle, but anything beyond that is not possible. But the captain seats are really comfortable. There's no bolstering, so when the car does move around, you do get you do slide around. But overall, the cushioning is pretty good and I'm pretty comfortable. One downside for me, the bottle holders in the door pad, you do struggle a bit to take the bottles out, but I think they're okay. Get used to them again. So, जैसे तेजन भाई ने बोला कि मतलब the seat belts are bit hard to reach and I'm bit shorter than him, so it's little harder. But again, yeah, it's a good experience till now and no real reason to complain. So because of the one touch, what I feel that it's very easy to get in and ingress काफ़ी अच्छा है. And once you are seated at the back, I have to say that I'm really impressed. Being 5'9 and 5'9½, I have enough headroom and जो आगे की जो seat है वो काफ़ी decently packed है and यहाँ पर काफ़ी knee room मेरे को मिल रहा है. How about you, Shubhranshu? It's a good place. Getting in is very easy. I'm at 5'10. मेरे पास enough headroom है, enough knee room है. I can move my legs. I can move my shoulders easily. It's a pretty good place to be in the Karens if you're going on long rides. Yes. Or for city drives. It's definitely very comfortable. It's a happy place to be in for even people like 5'9, 5'10 or 5'11 per se. So yes, Kia Karens has scored really well in terms of third row seating space. I'm in the third row of the Karens. I'm at 5'10. मेरे आगे तेजन भाई बैठे हैं जो 5'11 है. और उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे एडिक्वेट नी रूम है. आई कैन मूव माई लेग्स ईजिली. और यहाँ पे थर्ड रो पैसेंजर के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है. जैसे मेरे पास इंडिविजुअल एसी वेंट है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ. और यहाँ पे फ़ोन पॉकेट, आई कैन कीप माय फ़ोन हेयर इजीली विदाउट वरिंग. आई कैन कीप अ 1 लीटर बॉटल. आई हैव अ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट. इट्स अ नाइस प्लेस टू सिट. हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा हो गया निकले हुए एंड आई एम कम्फर्टेबल हेयर. सीट का रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है, कुशनिंग बहुत अच्छी है एंड इट्स अ डिसेंट प्लेस टू सिट फॉर लॉन्ग राइड्स एज वेल. मैं XUV 700 में भी इसी प्लेस पे था, वहाँ मुझे एडिक्वेट ना नी रूम नहीं मिल पा रहा था एंड मेरा हेड रूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ नाइस प्लेस टू सिट. व्हाट अबाउट यू? सो सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव्स, मैं थोड़ी खामियाँ बता देता हूँ किया कैरेंस के बारे में. यस, वी हैव इनफ लेग रूम एट द थर्ड रो एंड आई हैव टू से दैट अगर मेरे को चॉइस मिले तो आई विल प्रेफर द थर्ड रो ऑफ द किया कैरेंस. हाउएवर एक जो ड्रॉबैक लगा मुझे वो है कि आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा यहाँ पे. एंड मोर ओवर यस, टाइप सी आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं. हाउएवर अब जैसे मेरा फ़ोन है वो टाइप ए सपोर्ट करता है, सो दैट इज़ मिसिंग. ऑल्सो जो रेयर क्वार्टर विंडो है वो उसका साइज थोड़ा सा छोटा है. सो इफ़ आई एम ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स या फिर गाड़ी ग्लाइड करती है
तो फिर मुझे थोड़ा सा सफोकेशन हो सकता है। सो एक और ड्रॉबैक मुझे ये लगा है कि यहाँ पे मैगजीन होल्डर नहीं है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल विल ईदर बी स्लीपिंग और माइट बी रीडिंग द बुक्स। सो यहाँ पे ना बुक्स ना मैगजीन रखने के लिए कोई स्पेस है। प्लस आई थिंक दैट अगर ये बेंच सेटअप होता तो लेग जो नी रूम है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एंड मैं अपनी लेग्स को इतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाऊँगा। बट नन द लेस आई एम हैप्पी बीइंग एट द थर्ड रो ऑफ द किया कैरेंस एंड दिस इज इट। तो 100 किलोमीटर हम कर चुके हैं एंड द इकोनॉमी हैज स्लाइटली गॉन अप टू 20.4 की एमपीएल। मेरे ख्याल से इट विल स्टार्ट सेटलिंग अराउंड द 20.5 20.6 मार्क एंड दिस डेफिनेटली इज सुपर गुड बिकॉज गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा। अगर आप अकेले हैं गाड़ी में या अगर आप दो लोग हैं गाड़ी में, ईजिली 21 से ऊपर की इकोनॉमी आएगी एट 90 की MPH। तो ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव मैं इतनी देर बाद गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ। NVH लेवल्स आर वेरी गुड। NVH यानी कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल्स आर लो, दे आर गुड इन स्पाइट ऑफ अ डीजल। एफिशिएंसी अच्छी आ रही है। 100 पे आई टोल्ड यू कि 100 पे 20.4 थी बट अभी 20.5 पे बढ़ चुकी है, दैट्स गोइंग अप। ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव विजिबिलिटी अर्गोनॉमिक्स सीट आई वुड रेट आई थिंक 8.5 out of 10। एक चीज़ अच्छी है जो ऑलरेडी अभी नहीं चाहिए हमें बट गोइंग फॉरवर्ड वी नीड दैट इज द कूल्ड फंक्शन फॉर द सीट्स एंड मेरे ख्याल से आई विल पिक अप वेंटिलेशन ऑफ द सीट्स ओवर पावर्ड सीट्स। इस पावर्ड सीट्स नहीं आती हैं। सो मेरी तरफ से गुड मार्क्स एंड नितिन आप टू स्टार्ट विद व्हाट आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद कि गाड़ी के अंदर स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी हैं। सो मुझे सेंट्रल कॉन्सोल में एक ट्रे मिल जाती है, जो सेंट्रल बॉक्स है जो यहाँ पर आर्मरेस्ट है इसके नीचे भी बहुत डीप और एक बहुत यूजेबल स्टोरेज मुझे मिल जाता है। सेम गोज़ विद द डोर पैड्स, यहाँ पर बहुत इजीली बॉटल होल्डर्स जो एक्सेसिबल हैं, काफ़ी सारी बॉटल्स मैं यहाँ रख सकता हूँ। इवन आई हैव अ पैड टू कीप माई फ़ोन और मे बी द वॉलेट और समथिंग। एंड इन ऑल अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं आपके पास काफ़ी सामान है, आई थिंक दी स्मॉल टचेस दे मेक योर राइड मच बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट येस द कूल्ड सीट्स दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। लॉन्ग जर्नी पे आप हो या देरी जैसी गर्मी के अंदर आप चल रहे हैं, इस कूल्ड सीट काफ़ी आपको अच्छा लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम माई एंड आई थिंक द इम्प्रेशंस आर ग्रेट एंड द कैरेंस इट इज फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स इज अ सॉर्टेड व्हीकल। कुछ सेकेंड पहले आई थिंक यू गाइस सॉ कि एक बम्प आया था गंदा वाला। सो विद वन पर्सन ऑन बोर्ड या विद टू पीपल ऑन बोर्ड गाड़ी डायनामिकली अच्छी है, ड्राइवर का कॉन्फिडेंस आता है। बट विद सिक्स पीपल मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ विद दी बिहेवियर ऑफ दी कैरेंस। एंड अगर आप पहाड़ों में जाएंगे डेफिनेटली इसका बॉडी रोल शायद सबको तंग करेगा। ऑन दी प्लस पॉइंट जो नितिन ने कहा था कि इसमें स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, तो देर इज़ अ स्टोरेज स्पेस अंडर हिज सीट एज वेल जो नितिन आई थिंक भूल गए थे। सो दैट्स अनदर स्टोरेज स्पेस। वो जगह यूजली खाली जाती है। इन दी एक्सल सिक्स जो मेरे पास है वहाँ पे एक आपकी सेकंड बैटरी है फॉर दी माइल्ड हाइब्रिड सेटअप, बट इस पर बिकॉज बैटरी नहीं है तो किया ने क्लेवरली उस जगह को इस्तेमाल करा है। बट आई थिंक ओवरऑल ऑल थ्री रोज ऑल ऑफ अस आर डेफिनेटली क्वाइट हैप्पी विद द कैरन स्पेशली एट दिस लवली प्राइस पॉइंट। तो 150 किलोमीटर हम कर चुके हैं। ओनली गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, 21.6 की MPL, इकोनॉमी डेफिनेटली राइज हो रही है। ट्रैफिक इज नॉट दैट मच बट वो यू टर्न मारने के बाद जो एलिवेशन चेंजेस होती हैं आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अस स्लाइटली। आई एम स्टिल एट 90 की MPH एंड यू कैन मेक आउट हमने जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का वो हमने इन लेस देन 2 आवर्स किया है। सो दिस इज रियली गुड अपार्ट फ्रॉम स्पेस फीचर्स कम्फर्ट इवन एफिशेंसी वाइज जो ये गाड़ी है कैरन से काफी अच्छा कर रही है।
सो मेन एक्सप्रेसवे से हम उतर चुके हैं, हमने करे हैं 161 किलोमीटर्स, एवरेज इज 21.6, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बहुत खुश हूँ. ड्राइव करेंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर्स, विल फाइंड अ फ्यूल पंप, फिल अप द कैरन्स ऑन द सेम ऑटोकट मेथड एंड डू अ सिंपल कैलकुलेशन टू शो यू कि जेन्युइनली कितनी इकोनॉमी इस गाड़ी ने हमें अर्ज दी है. सो 180.2 किलोमीटर्स हम कर चुके हैं, 21.5 की एमपीएल पंप हमारा सामने है, तो फिल अप करते हैं द फाइनल मोमेंट की इसने गाड़ी ने हमें कितनी जेन्युइन इकोनॉमी दी है. सो 8.68 लीटर्स आया है ऑटो कट पे, वहां पे हम छोड़ेंगे इसको एंड लेट्स कैलकुलेट द फाइनल जेन्युइन इकोनॉमी. इट्स बीन अ डे वेल स्पेंट विद द किया कैरेंस डीजल ऑटोमेटिक एंड जस्ट टू समराइज हमारा आज का एक्सपीरियंस था विद नॉट ओनली मी बट फाइव अदर टीम मेंबर्स. आई थिंक हर कोई डिफरेंट रोल्स के अंदर काफ़ी खुश था इन टर्म्स ऑफ द स्पेस, द कम्फर्ट लेवल्स एंड फीचर्स. कैरेंस अपने सेगमेंट के अंदर बहुत सारे फीचर्स फर्स्ट टाइम या यूनिक या बेस्ट देती है एंड ऑफकोर्स फ्रॉम अ ड्राइवर्स परस्पेक्टिव परफॉर्मेंस इज नॉट बैड. फ्लैट आउट पर इतना मज़ा नहीं आता बट फॉर अ नॉर्मल डेली रन विद सिक्स पीपल आई वो डिंट फाइंड अ रीजन टू कंप्लेन. डायनामिकली हाई स्पीड्स पे आई विल एग्री कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था बट अगेन वंस वी आर बैक इन टू द सिटी ट्रैफिक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एंड द इंपॉर्टेंट माइलेज फैक्टर 20 से ऊपर जेन्युइन इकोनॉमी. द डिस्टेंस वी ड्रोव डिवाइडेड बाय द फ्यूल वी फिल्ड इज अ जेन्युइन 20 प्लस की एमपीएल, वो भी विद सिक्स पीपल. तो अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हैं फॉर योर फैमिली रन या लंबे डिस्टेंस के लिए, लंबे कम्यूट के लिए, तो ये गाड़ी डेफिनेटली एफिशिएंट बनने वाली है. कोई ऐसा आपका सवाल हो जो हमने आंसर नहीं किया दोस्तों, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वंस मोर वी डू नीड योर सपोर्ट. अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, ऑल न्यू बलेनो है, नई वाली स्लाविया है एंड अ स्पेशल हिमाचल ट्रैवलॉग. उन सारे वीडियोस के लिए फॉर द नोटिफिकेशन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ हिट करें द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ड्राइव सेफ.